अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल बी लव कैंडी। पहुंच चुकी है लंका प्रीमियर लीग के फाइनल में और बहुत ही अच्छा खेला आज बी लव कैंडी ने। बड़ी कन्विंसिंगली डिफीट दी बैटिंग में हसरंगा ने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी। बॉलिंग में हमारे हसनैन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी और बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग करी, बहुत ही तबाहकुन बॉलिंग करी है उन्होंने। और बी लव कैंडी में हमारे हसन अली भी थे बट बेचारे वो तो रूल आउट हो गए हैं लंका प्रीमियर लीग से। उनकी सर्जरी हुई है और अब वो उससे रिकवर करेंगे, इसके बाद ही वो इन एक्शन नज़र आएंगे। बट हमारे आई थिंक फ़खर जमान और हमारे मोहम्मद हारिस भी इस टीम का हिस्सा थे, ओपनिंग ये दोनों ही कर रहे थे, बट अब उन्होंने अब पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन कर लिया है। और इसके अलावा हमारे सरफराज अहमद साहब भी बी लव कैंडी की तरफ से ही खेल रहे हैं। सो आई विल सपोर्ट बी लव कैंडी इन फाइनल बिकॉज ऑफ सरफराज अहमद, बिकॉज ऑफ हसनैन और बिकॉज ऑफ के मोहम्मद हारिस और फ़खर जमान भी इसी टीम का हिस्सा थे। एनीवेज मोहम्मद हसनैन ने आज बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है और उनकी स्प्लेंडेड बॉलिंग की बदौलत ही बी लव कैंडी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। उन्होंने 3 ओवर्स कराए अपने स्पेल में और 11 डॉट्स बॉल उन्होंने कराई, 11 डॉट बॉल ही बोल, और जस्ट 8 रन दिए उन्होंने 3 ओवर्स में, जस्ट 8 रन और 2 विकेटों को उन्होंने अपने नाम किया है इन T20s। 2.66 का उनका इकोनॉमी है विच इज़ माइंड ब्लोइंग, एंड जो उनके बारे में मशहूर है और मशहूर क्या जो जस्टिफाई भी है उनके बारे में कि वो बहुत ही ज़्यादा रन्स लीक करते हैं स्पेशली इन डेथ ओवर्स। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो हम एक फर्स्ट सीरीज जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में हुई थी, 2 बार अभी न्यूजीलैंड आई है, जो फर्स्ट पाकिस्तान ने लूज़ की थी वो मोहम्मद हसनैन की वजह से ही लूज़ की थी, बिकॉज पाकिस्तान ने 280+ बनाए थे और ऐसा बहुत कम ही होता है कि 280+ बनाने के बावजूद भी पाकिस्तान टीम हार जाए और वो मोहम्मद हसनैन की एक्स्ट्राज रन जो वो दे रहे थे, वाइड्स जो वो करा रहे थे और बहुत ही ख़राब बॉलिंग उन्होंने की थी एट दैट डे, बिकॉज जब हमारे नसीम हारे सब ही शाहीन सब ही इंजर्ड थे तो हमारे यही कुछ बॉलर्स खेल रहे थे, वसीम जूनियर एंड मोहम्मद हसनैन, और मोहम्मद हसनैन की वजह से मैच बना हुआ था एंड उन्होंने 2-3 वाइड्स करा ली, फिर ऐसी बॉल कराई कि उन पर बाउंड्रीज लग गई तो पाकिस्तान के हाथ से मैच पूरा चला गया। और बहुत मुझे उस वक्त टू बी ऑनेस्ट बहुत गुस्सा आया था बिकॉज सब ने, बैट्समैनों ने पूरी जान डाली, बॉलर्स ने जान डाली, फील्डर्स ने जान डाली, बस एक मोहम्मद हसनैन की वजह से पाकिस्तान ने मैच लूज़ कर दिया और पाकिस्तान ने वो सीरीज़ भी लूज़ कर दी। और जब वो टाइम था कि जब बाबर आजम की कैप्टनसी के पीछे सब हाथ धो के पड़े हुए थे कि बस अब ये हारे तो और हम इसे कैप्टनसी से हटा दें, और काफ़ी प्रेशर था बाबर आजम पे। एनीवेज वो हिस्ट्री का हिस्सा हो चुका है और इसके बाद पाकिस्तान ने बड़ी कन्विंसिंगली डिफीट भी दे दी थी न्यूजीलैंड की टीम को जब वो सेकेंड टाइम आई थी पाकिस्तान। बट स्टिल अच्छी बात है, जो मोहम्मद हसनैन की एक यही प्रॉब्लम है बिकॉज पेस उनके पास बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है उनकी, उनका एक्शन भी अब काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। तो मेन जो उनके साथ प्रॉब्लम है वो यही है कि वो रन्स लीक करते हैं, बट अगर वो अपनी इस गलती को ओवरकम कर लेते हैं, अपनी इस फ्लॉ को ओवरकम कर लेते हैं तो ही कैन बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बिकॉज वर्कलोड मैनेजमेंट जो हम कहते हैं उसके तहत उन्हें टीम में खिलाया जा सकता है। बट इस तरह से अगर वो जिस तरह से पहले उन्होंने रन्स लीक किए थे अगर वो करेंगे तो फिर ऑब्वियसली ही कैन नॉट बी इन टीम, बट लेट्स होप कि अब वो अपनी इस तरह की जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है और रन्स लीक ना करें तो फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ सकते हैं, बिकॉज ही इज़ फिनोमिनल टैलेंट आई बिलीव। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।